टीवी, सच साहस सरोकार। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या, नागौर कोर्ट के बाहर दिया गया वारदात को अंजाम। बीजेपी सांसद प्रमेश वर्मा ने ट्वीट कर कहा, भगवंत मान का केजरीवाल से किया वादा, इंडिया में शराब को हाथ नहीं लगाने का था, ना कि विदेश में। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास इस सीरीज में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका, टी20 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ेंगे रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचने के लिए पकड़ेंगे यूपी का सियासी रूट। त्रिलोचन महादेव मंदिर में एक मुस्लिम कपल ने लिए हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां योगी के एक फैन ने योगी का मंदिर बनवाया। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रयागराज हाईवे पर कल्याण मदरसा गाँव में ये मंदिर है। वहीं जिस दिन भगवान राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन इस गाँव में योगी के मंदिर का भी शिलान्यास हुआ था। साथ ही ये फैन सीएम योगी का प्रचारक बताते हुए उनके लिए गाने भी लिखता है। खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में नगर निगम नगर पालिका को हरी झंडी देने के साथ हरदोई के शहाबाबाद व पाली नगर पालिकाओं के सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान की। वहीं कस्बा हरपालपुर की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद नगर पंचायत के गठन की राह देख रहा है, जिस पर समाज सेवी राजनेताओं जनप्रतिनिधियों ने 28 सितम्बर से सर्वदलीय संघर्ष का शंखनाद किया। शासन और प्रशासन से कहना है कि हरपालपुर नगर पंचायत, जिसकी पत्रावली शासन में सभी नो ऑब्जेक्शन सहित विचाराधीन है, उसको नए नगर पंचायत का दर्जा और सवाईपुर तहसील हेडक्वार्टर के लिए अधिसूचना जारी की जाए। यदि इसके ऊपर शासन या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 28 तारीख को हम सब लोग आज से ही जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब ने कहा कि सारी इसमें जो है फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, लेकिन आज तक वहाँ कोतवाली की भी शुरुआत नहीं हो पा रही। कहीं बता देते कि मिट्टी का खनन रोक लगी, इसलिए काम रुका है। कहने का मतलब, जिस तरीके से सवाजपुर विधानसभा को विकास के कई किलोमीटर दूर रखा जा रहा है और वहाँ की जो आम जनमानस है समय समय पर उसने मुद्दों को उठाया है। जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में लोगों में नगर पालिका हर पर इलाके का निवास न करवाने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों का कहना है कि नगर पालिका ईओ और नगर पालिका चेयरमैन से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी शिकायत कहीं की? अच्छा, क्या हुआ अब तक? कुछ भी ना हुआ, कोई कुछ ना करा। नगर पालिका वाले क्या कहते हैं? अच्छा, कितने सालों से ये स्थिति है यहाँ? भैया तो 5 साल तो यहाँ होकर रहते हैं। अच्छा, जब से ऐसा ही है आज तक इस पर एक तोले मट्टी ना भी हो, ना कोई नाली है, ना कोई खरंजा है, ना कोई ईटिया, कोई सुनवाई ना कहीं भी। नगर पालिका में कितनी बार दे ली, मंत्री जी को कितनी बार दे ली, योगी जी के पोर्टल पर कई बार भेज दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और नगर पालिका ईओ और चेयरमैन वगैरह क्या कहते हैं? ये तो जो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, बजट नहीं है, सरकार पैसा ना दे। खबर अलीगढ़ से है, जहां स्वामी यति नरसिंहानंद पर विशेष समुदाय के शैक्षिक संस्थानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए मदरसों और एमयू पर तंज कसते हुए बम से उड़ाने की बात कही थी। वहीं एसपी सिटी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। गांधी पार्क निवासी
अशोक पांडे तथा पूजा शकुन पांडे द्वारा अपने बी दास कंपाउंड स्थित निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए गए थे। उन्हीं में ही स्वामी यति नरसिम्हानंद द्वारा एक संप्रदाय विशेष के संस्थानों के संबंध में अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके आधार पर थाना गांधी पार्क में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। गांधी पार्क निवासी अशोक पांडे तथा पूजा शकुन पांडे द्वारा अपने बी दास कंपाउंड स्थित निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खबर हरदोई से है, जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का सेंट जेम्स स्कूल में शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 18 मंडल की चार टीमें भाग ले रही हैं। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आएंगे। वहीं इस अवसर पर GGIAC आर्या कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। खबर अलीगढ़ से है, जहां जलभराव ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी। बता दें कि अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी घोषित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं 3 घंटे की भारी बरसात से यहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नगर निगम पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। गली में इतना पानी भर गया, कोई कहीं जा ही नहीं सकता, ना ऑफिस जा सकता, ना स्कूल जा सकते, बच्चे सब लौट गए। इतना पानी भर गया, कोई कहीं नहीं जा सकता, इतनी बारिश हो गई, इतना पानी भरा। वाराणसी से के सोरिया मेले के बाद लक्ष्मी कुंड पर बिखरी गंदगी को नमामि गंगे ने साफ किया। साथ ही काशी के पौराणिक कुंडों, तालाब, पोखरों, सरोवर को संरक्षित करने की भी अपील की। आपको बता दें कि मातृ नवमी पर नमामि गंगे ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। वहीं जल संरक्षण के आग्रह के बीच लक्ष्मी कुंड के आसपास नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से सफाई भी की। जल की इतनी महत्ता है कि हम अपने सारे जो पारंपरिक त्योहार हैं वो जल के किनारे मनाते हैं, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस जल को के किनारे को गंदा न करें। और इसी निमित्त हमने नमामि गंगे की ओर से यहाँ आज सोरैया मेला के बाद, जबकि इधर उधर कई प्रकार की गंदगी बिखरी पड़ी है, स्वच्छता अभियान चलाकर हम सबको स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं और सबसे ये अपील करना चाहते हैं, ये जलाशय, कुंड, सरोवर, ये पवित्र नदियाँ हमारी हैं, इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हम स्वयं निर्वहन करें। सीतापुर के कस्बा सदरपुर गांव में ताजिए करबला को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं गांव वालों ने ताजिए को चौक पर रखकर हजरत हुसैन की याद में आंसू बहाए। बता दें कि ताजिए को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ताजिए को सुपुर्द खाक किया गया। अमेठी की मोहनगंज कोतवाली में तैनात चौकीदार राम प्रसाद के रिट्वीट के दौरान हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चौकीदार को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने चौकीदार को मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर अयोध्या से है, जहां विशाल मेगा मार्ट में काम करने वाली सेल्स गर्ल्स के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के निशानदेही पर लड़की का शव गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि लड़की के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी पर शराब में पिला दुष्कर्म में असफल होने पर लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। साथ ही आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले दिनों थाना कोतवाली नगर पर एक 20 वर्षीय युवती के गायब होने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में इसमें जो संदिग्ध अपराधी थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, सर्वलांस टीम की मदद ली जा रही थी। आज एक इसमें घटना में जो अभियुक्त था वो पकड़ा गया और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने घटना को करना स्वीकार किया और इसकी निशानदेही पर उस लड़की का जो कंकाल है वो बरामद किया गया है।
गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में सिद्धार्थ विहार कट पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एम्बुलेंस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस मोहन नगर की तरफ से नोएडा जाने वाले रास्ते पर जा रही थी, तभी एम्बुलेंस ने अपने नियंत्रण खो दिया और दो बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में दो युवक एवं एक महिला घायल हो गई, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। एक छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है। जो घायल है उनमें एक बच्चा। अब घायलों की क्या स्थिति है? अभी इलाज चल रहा है, उसके बाद जांचों के बाद पता चलेगा। हम दृष्टि में तो सम्मान। अपना नाम और एक बार परिचय और बता दीजिए। ये पता नहीं, अभी अभी तो हमने भी देखा है एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ। पीछे से ही मार का आ रहा है, पीछे से टक्कर मार रहा है एम्बुलेंस वाला। हाँ, एम्बुलेंस वाले ने मारी, पीछे मार का। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? दो मर गए। कितने? चार मर गए। घायल तो कोई नहीं हुआ। कितने मर गए? चार मर गए। अच्छा, कितनी बाइकों की टक्कर हुई है? दो या तीन। हाँ, वीडियो बनाओ ना। गांधी पार्क निवासी अशोक पांडे तथा पूजा शकुन पांडे द्वारा अपने बी दास कंपाउंड स्थित निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए गए थे। उन्हीं में ही स्वामी यति नरसिम्हानंद द्वारा एक संप्रदाय विशेष के संस्थानों के संबंध में अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके आधार पर थाना गांधी पार्क में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाए। खबर हमीरपुर से है, जहां बुजुर्ग की उसके बेटे ने जमीन पर लोन न देने के चलते उसकी हत्या कर दी। वहीं बुजुर्ग को उसका बेटा व नाती समेत कुछ जबरन उठा कर ले गए, जिसकी सूचना छोटे बेटे ने थाने में दी, जहां पुलिस लापरवाही दिखाते हुए सुबह आने की बात कही। बता दें कि सुबह ग्रामीणों ने बुजुर्ग का शव नहर के पास पड़ा मिला, साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राम श्री राम। हमारे बब्बा दूर हैं परी थी, उनके लड़का चंद्रमा रिंकू सचिन आंगन से लेकर मार के ले गई, मारते मारते वो यहाँ पे आके मार जान। 9 बजे रात, 1:30 बजे रात को चकासी गई थी, उनने कहा था 9 बजे सुबह आ जाना, हम सुबह गए, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पता चला। रात में करीब 1:30 बजे उठा ले आए, तो 5 लोग गए थे, जिनका हमारे फ़ोन आया कि भाई साहब कोई मामा को उठा ले गए, तो हमने कि थाने चले गया। फिर जो लोग थाने गए, थाने में कोई ना था, तो फिर इसलिए वापस बरौली आ गए। थाने में क्या बोला? ना सुबह आना है 8 बजे, फिर ये बरौली चले गए। फिर सुबह फोन आया इनका कि भाई साहब रिपोर्ट करने चल रहे हैं, तो हम जा रहे थे, तो रास्ते में जो पुलिस खड़ी थी, तो हमने पूछी काहू को बोली लाश डरी है, तो हम आए तो हमने देखा कि हम उनके हमें मामा हैं, तो हमने बताया कि हमें मामा है, तो हमने फ़ोन करो बरौली से। ये हत्या का मामला है, इसमें जो बुजुर्ग हैं जिनकी लाश मिली है, इनका नाम गया प्रसाद है और ये बरौली थाना क्षेत्र चिकासी के रहने वाले हैं। इनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम जो है चंद्रवान और जीवनलाल है, और चंद्रवान के 2 पुत्र रिंकू और सचिन है। रिंकू आपराधिक प्रवृत्ति का है, इनमें रिंकू और उनके जो पिताजी यानी चंद्रवान और उनका दूसरा भाई इन पर दबाव डाल रहे थे कि वो ज़मीन पर लोन ले लें, और इस बात को लेकर के ये उनको जबरदस्ती कल रात्रि में ले गए थे और इनकी चोट पहुंचा करके जो है हत्या कर दी है। जो मृतक हैं जो गया प्रसाद जी, उनका जो दूसरा पुत्र जीवनलाल है, उसे तहरीर लेकर के जो है FIR पंजीकृत की जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां थाना निघासन क्षेत्र के एक गांव में बीते बुधवार को 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके क्रम में सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने अपनी टीम के साथ निघासन पीड़ित परिवार के घर पहुंची और पीड़ित परिवारजनों से बात कर पूरा घटनाक्रम जाना, और पीड़ित परिवार को उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। SIT की टीम गठित होने जा रही है और हम आपके मीडियम के माध्यम से भी बताने जा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा, इसी की हम आज बोलेंगे भी कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट लगा के और इसमें जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो तत्काल होनी चाहिए।
सीतापुर के तंबौर कस्बे के मोहल्ला गंज नवाबगंज का एक परिवार सो रहा था, तभी अचानक देर रात घर की दीवार गिर गई, जिसमें एक बाइक और घर गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया, तो वहीं परिवार के सभी लोग बाल बाल बच गए, जिसके बाद मोहल्ला में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हम लोग सो रहे थे, 1 बजे रात में यह हादसा हुआ है। इसमें कोई नुकसान हुआ कुछ आपका? जी हाँ, मोटरसाइकिल, बर्तन घर के सारी गृहस्थी सब नुकसान हो गया। कोई चोटिल हुआ नहीं? कोई चोटिंग नहीं हुआ, बारिश की वजह से। कब हुआ? पौने 1 बजे। 1 बजे कोई नुकसान इसमें हुआ? मोटरसाइकिल और इसके बाकी घर की सारी सामग्री। हादसे के समय आप लोग कहाँ थे? नीचे सो रहे थे क्या? हाँ। तो कोई नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया, मोटरसाइकिल चली गई और चकनाचूर हो गए, बाकी घर की सारी सामग्री जो है ध्वस्त हो गई। कोई चोटिल हुआ नहीं? चोट जो कुछ है हमारे नहीं। खबर सीतापुर से है, जहां ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव गांव के बाहर स्थित तालाब में उतारता मिला। बता दें कि युवक की सुबह जब अपने पति को घर में ना पाने पर काफी खोजबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की जांच में जुट गई है। इनकी हमका मालूम होता है ये टट्टी आए हैं लैट्रीन, और ये उधर खसक गया पाँव तो फिर मैं निकल ना पाई। ये हमारे रिश्ते में साधु लगते हैं। साधु लगते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेहटा के रहने वाले। इनका नाम क्या है? राजेश कुमार। ये पिता का क्या नाम? छद्दू लाल। थाना कौन सा है? तंबौर। ये कहाँ आए हुए थे? ये अपने ससुराल आए हुए थे। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिससे नहीं हुआ था? क्या कारण रहा इन जो कारण क्या ये करे? 3 तारीख को इनके लड़के का बर्थडे था, तभी से ये शराब पी रहे थे। हाँ, तो ना पिए इसलिए इनकी बीबी लेके यहाँ आए थे कि वहाँ आसानी से मिल जाती थी, यहाँ मिलती नहीं थी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।